बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है हमारे पास सिंपली स्टेनिंग का। क्या चीज है जो टॉपिक का नाम है वो है स्टेनिंग, किसी चीज को रंगना, स्टेन करना। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे स्टेनिंग। स्टेनिंग क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हमने पिछले लेक्चर में जो सैंपल लिया था उसका काट 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 के उसका कीमा बना दिया था। लेकिन अब हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और हमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम पेश आती है, और वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मैक्सिमम सेल्स होते हैं, अगर हम सेल को स्टडी कर रहे हैं तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट होते हैं, जैसे एक शीशे का ग्लास होता है। ठीक है, उस कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता हमें। तो फिर हमने सेल्स को देखना कैसे भाई, हमने न्यूक्लियस को कैसे देखना है, हमने डीएनए कैसे देखना है, हमने साइटोप्लाज्म को कैसे देखना है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे देखना है, तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मसला तो है ना अभी कि हमारे पास मैक्सिमम जो ऑल ऑर्गेनिज्म है उसके जो सेल्स है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, सब कुछ हमें एक जैसा नजर आ रहा होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसल्यूसेंट होता है। ठीक है, जैसे शीशे के ग्लास होता है, बिल्कुल उसमें से कुछ दिखता ही नहीं है। तो उसके लिए हमने करना क्या, हमने तो उसको काट दिया, हमने कहा कि मतलब हमने उसकी डिफरेंशियल सर्टिफिकेशन भी कर दी। अब हमें पता है कि सोल्यूशन हमारे पास है, इसमें सेल्स पड़े हैं, लेकिन कहाँ पड़े हैं? या अगर हम कोई नई चीज़ स्टडी कर रहे हैं तो उसकी शेप कैसी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है? अगर हम न्यूक्लियस को देखना चाहते हैं, न्यूक्लियस कहाँ है, हमें तो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए बायोलॉजिस्ट ने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है वो डेवलप की है, और वो जो टेक्निक है वो है हमारे पास स्टेनिंग की। किस चीज़ की? स्टेनिंग की। क्यों हम स्टेनिंग हमने की है? क्योंकि जो भी मोस्ट बायोलॉजिकल जो सेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। तो उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे हम उनको करेंगे रंग। क्या करेंगे? रंग करेंगे। बिलफर्ज ये बोर्ड है, इसमें हमें कुछ नहीं पता, इसमें ये बिलफर्ज ये हमारे पास एक सोल्यूशन है और इसमें हमें कुछ नहीं पता क्योंकि ट्रांसपेरेंट है। कुछ नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा कि अब यहाँ पे हम कहते हैं ये एक सेल है लेकिन हमें नजर तो नहीं आ रहा कि सेल का है। तो हम क्या कहेंगे, हम उसमें मुख्तलिफ किस्म के रंग डालेंगे। आप मुख्तलिफ जो डाइज होती हैं, जो मुख्तलिफ रंग होते हैं, जो मुख्तलिफ स्टेन होते हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम कॉलेज लेवल पे सिर्फ ये समझेंगे कि स्टेनिंग है क्या। ठीक है, अब हमें सेल तो नजर आ ही नहीं रहा कुछ, हमें बस एक सोल्यूशन एक पानी है टेस्ट ट्यूब में पड़ा हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें रंग डालने। ठीक है, बिलफर्ज इसमें हम रंग डालते हैं, कोई एक रंग डालते हैं तो यहाँ पे एक धब्बा सा गोल सा बन जाता है। ठीक है, बाकी सबको ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होता है, बस ये धब्बा सा जो एक बन जाता है। तो अब क्या है, अब उस रंग डालने की वजह से हमें ये जो थोड़ी सी जगह है ये नजर आ रही है। अब हर रंग की, हर स्टेन की अपनी खसूसियत होती है कि वो स्पेसिफिक चीजों के साथ जुड़ता है। तो इस स्टेनिंग की वजह से हम उस चीज को विविड कर देते हैं, उससे वो चीज हमें नजर आना शुरू हो जाती है कि हाँ भाई न्यूक्लियस यहाँ पे पड़ा है, हाँ भाई राइबोसोम तो यहाँ पे पड़े है, हाँ साइटोप्लाज्म तो इधर है, हाँ सेल वॉल तो इधर है। मतलब ये सिर्फ देखो हिस्टोपैथोलॉजी लैब्स जितनी भी है मेडिकल में, जहाँ पर भी लेबॉरेटरीज है वहाँ पे जब आपका सैंपल लिया जाता है, टिश्यूज लिया जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, उनका देखा जाता है कि इसमें क्या अबनॉर्मेलिटीज है वगैरह वगैरह, तो उनको सबसे पहले स्टेनिंग तो करें ये ना कि भाई सेल्स हैं उसके किधर। इसी तरीके से हमारे पास अन्य वाले बैक्टीरिया होते हैं, बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं, हमने किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को अगर अलग करना है तो वहाँ पे तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो हम तो एक स्पेसिफिक डाई डालेंगे जो कि सिर्फ उसी बैक्टीरिया पे जाके चिपक जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये बैक्टीरिया है, इसको अभी हमने अलहदा करना है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कौन सी चीज़ पे काम करना है, उसी के लिए तो स्टेनिंग होती है। अगर हमें सेल चाहिए तो हम प्रॉपर स्टेन डालेंगे, प्रॉपर रंग डालेंगे जो उस सेल के ऊपर सिर्फ चिपकेगा, बाकियों पे चिपकेगा नहीं। इसके भी प्रॉपर स्टेप्स होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि किस तरह हमने स्टेनिंग करनी है। लेकिन पहले स्टेनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जहन में रखो कि स्टेनिंग क्या है, कि जब हमारे पास बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स है उनके सेल्स, उनके टिश्यूज, उनके अंदर जो न्यूक्लियस, ये चीजें हमें नजर नहीं आती, उनको देखने के लिए, उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम करते हैं स्टेनिंग। स्टेनिंग का मतलब है सेल्स को रंगना, सेल्स को पेंट करना। ठीक है, मुख्तलिफ आसान लफ्जों में बताऊं, सेल्स को जब हम रंगते हैं, उनको पेंट करते हैं, हम आर्टिस्ट बन जाते हैं, उस वक्त उसको कहते हैं स्टेनिंग। ये तो हो गई कि हम स्टेनिंग करते क्यों हैं।
और स्टेनिंग के बाद अगर हम इसकी टाइप्स देखें, क्या देखें? टाइप्स, जो बुक में लिखा हुआ याद तुम लोगों ने वही रखना है, लेकिन समझना सारा है कि ये काम हो रहा है तो कैसे हो रहा है। जब हमें ये पता होगा कि ये काम हो कैसे रहा है, तो फिर उसमें से ही पॉइंट्स, बुक के पॉइंट्स हैं वो, तो वही पॉइंट्स हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सोचो कि स्टेप्स क्या है, बिल फर्स्ट कैसे करते हैं। हमारे पास, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बैक्टीरिया है हमारे पास, उसको हमने अलग अलग कर रहे हैं। मतलब स्टेनिंग की तो बहुत सारी टाइप्स है, आप जितना हायर लेवल पे जाओगे इसकी मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ोगे, जिम्सा स्टेनिंग पढ़ोगे, उसके बाद ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग पढ़ोगे, एसिड बेस स्टेनिंग पढ़ोगे, बहुत सारे स्टेनिंग काम कैसे करता है, या जो हमारे पास डाई है वो वहीं पे क्यों चिपकता है, इसकी खास खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, उन सब के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं बताऊं कि रंग, ये जो डाई है ये चिपकता क्यों, ये देखो, ये कंसेप्ट के लिए, याद रखने वाले इसमें कुछ नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। कंसेप्ट के लिए बताऊं, बिल्कुल हमारे पास कोई डाई है, उसमें पॉजिटिव चार्ज है, उस डाई पे, उस रंग पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये सेल में कहां पे चिपकेगा, जिस जहां पे नेगेटिव चार्जेस होंगे स्पेसिफिक, तो वो डाई आएगा और उन्हीं नेगेटिव पे चिपक जाएगा, जहां पे पॉजिटिव है या जहां पे न्यूट्रल है वहां पे ये नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे चिपकेगा, यहाँ पे चिपक जाएगा, यहाँ पे भी चिपक जाएगा, तो इसकी वजह से इस पर रंग पड़ जाएगा, बाकी पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। या अगर कोई डाई हमारे पास नेगेटिव है तो जहां पे भी पॉजिटिव होंगे उन पे चिपकेगा, ऐसा ही है। या अगर कोई चीज बेसिक है उसमें एसिडिक डाल दें तो वो वहां पे चिपकेंगे, या अगर बेसिक है तो वो एसिडिक, वाइस वर्सा जो भी है। लेकिन हम यहाँ पे साइंस के इन्वॉल्व है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के, बैक्टीरिया सेल वॉल के, तो उसमें मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसमें हम जब कोई पॉजिटिव डाई डालेंगे तो वो सेल वॉल के ऊपर चिपक जाएगी, जब सेल वॉल के ऊपर चिपकेगा तो उससे हमें चीज क्लियर हो जाएगी, वो रंग सिर्फ वहीं पे लगेगा जहां जहां सेल वॉल होती है। एक तो स्टेनिंग का ये फायदा होगा, दूसरा ये होगा कि बिल्कुल ये नेगेटिव है, ये भी है, ये सारा नेगेटिव है, ठीक है। अब इस पे जब हम डाई डालेंगे तो यहाँ पे सारे में कलर शो हो जाएगा, गोल गोल। तो इससे दूसरा हमें स्टेनिंग का क्या फायदा हुआ कि हमें सेल मॉर्फोलॉजी, नाम सुना होगा सेल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी जो फिजिकल शेप होती है, सेल मॉर्फोलॉजी का पता चल जाता है कि भाई सेल वॉल किस शेप का है, वो सेल जो है किस शेप का, वो गोल है, वो रेक्टेंगल है, वो किस शेप का है, सेल की मॉर्फोलॉजी हमें पता चल जाती है। अगर हम न्यूक्लियस को देखते हैं तो उसकी मॉर्फोलॉजी, फिर उसका एक तो मॉर्फोलॉजी, दूसरा उसके साइज का भी अंदाजा हो जाता है ना, क्योंकि हम कहेंगे ये पूरा सेल है, उसमें इतनी सी जगह पे ये हो गया, तो इसका मतलब वो जो न्यूक्लियस है, बिल्फर्ज जो न्यूक्लियस है उसके साइज का भी पता चल गया ना कि ये जगह और इसके तकरीबन ये साइज है। तो सेल मॉर्फोलॉजी, सेल साइज या ऑर्गेनेल साइज, जिस चीज को भी हम देख रहे हैं उसका भी पता हमें स्टेनिंग से अंदाजा हो जाता है, एग्जैक्ट नहीं लेकिन अंदाजा हो जाता है कि कितने साइज का होगा, उसकी शक्ल क्या होगी, ये सारी चीजें, ठीक हो गया। अब हमने ये तो देख लिया कि भाई जो स्टेनिंग है वो वर्क कैसे करती, स्टेप्स क्या है ये भी समझने के लिए, स्टेप्स क्या है ये भी समझने के लिए स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले देखो हमने करना क्या, हमने लेने एक स्लाइड, ग्लास स्लाइड लेनी है, क्योंकि ये सारा काम माइक्रोस्कोप के नीचे होगा, ठीक है। ग्लास स्लाइड लेनी है, ये बिल्कुल हमने ग्लास स्लाइड ले ली, इसमें मैं अपना कोई भी नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे कोई भी नाम लिख देते हैं, ठीक है, बस निशानी के लिए। ये ग्लास स्लाइड ले लिया, यहां पे हम निशान सा करेंगे, ठीक है, जो मतलब किसी रंग से नहीं करेंगे, बस निशान सा होगा जहां पे हमने अपना स्पेसिमेंट डालना है, क्या डालना है, स्पेसिमेंट डालना है। फिर हम एक बर्नर लेंगे, कोई भी बर्नर, और इस जगह को या इस स्लाइड को हम करेंगे स्टीक, क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे ऑर्बिट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो जरासीम, जो मसाइल है वो खत्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल स्टीराइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्टीराइल, जरासीम से पाक हो जाएगा। जब ये पाक होगा उसके बाद जो हमने टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्यूशन बनाया था जिसमें हमारे जो स्पेसिमेंस है उसमें से थोड़ा सा लेके इसमें डाल देंगे, क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, जब इसमें हमें पता चल गया कि वो सॉल्यूशन इधर पड़ा हुआ है लेकिन हमें नजर तो नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट है, फिर हमने इसमें डालना है कोई भी डाई डालेंगे, कोई रंग डालेंगे, जब वो इसके ऊपर डालेंगे तो वो कहीं पे चिपक जाएगा और कहीं पे बह जाएगा। उसके बाद जब रंग डाल दिया, अब ये पूरा हमने कतरा डालना होता है, फिर इसके बाद इसी स्लैब को उठा के एक पानी का ग्लास होता है डिस्टिल्ड वाटर में, उसमें डुबो देते हैं ताकि जो एक्सेस ऑफ डाई है वो रिंस आउट हो जाए, वो धुल जाए,
और जहां जहां पर उसको चिपकना था वहां पे वो चिपक जाएगा। लेकिन ये नहीं कि यहाँ पे जैसे डाई डाल दिए तो उसके बाद हमने डायरेक्ट उसको पानी में डाल दिया, नहीं, एक दो मिनट उसको छोड़ो ताकि वो डाई जहाँ पे चिपकने होती है उस पर प्रॉपर चिपक चिपक जाए, उसके बाद उसको रिंस किया वाटर से, तो यहाँ पर ये चीज हमें नजर आ जाएगी। वो जहाँ पे अगर वो सेल वाल के गिर्द घूमी है या वो न्यूक्लियस के गिर्द या जिस चीज के पूरे सेल के गिर्द घूम गई है, लेकिन वो सेल हमें नजर आ जाएगा। जब उसको फिर उसी स्लैब को हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें वाजे तौर पर वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये तो हो गए स्टेनिंग के स्टेप्स। अब जो इम्पोर्टेंट तुम लोगों को याद रखना है वो ये है स्टेनिंग की टाइप्स। स्टेनिंग की टाइप्स, तो स्टेनिंग की बेसिकली दो ही टाइप्स है। कितनी टाइप्स है? दो टाइप्स है। और वो कौन कौन सी है? स्टेनिंग की टाइप्स की अगर हम बात करें तो स्टेनिंग की बेसिकली कितनी टाइप्स है? दो। या स्टेनिंग को छोड़ो, टाइप्स कितनी है हमारे पास? है दो। कौन कौन सी? एक सिंगल स्टेनिंग है। क्या है? सिंगल स्टेनिंग। और एक हमारे पास है डबल स्टेनिंग है। एक सिंगल स्टेनिंग है और एक डबल स्टेनिंग है। डबल को डिफरेंशियल भी बोलते हैं, डबल को डिफरेंशियल भी बोलते हैं। सिंगल स्टेनिंग का पड़ा इजी है। सिंगल स्टेनिंग में क्या है? सिंगल स्टेनिंग में हमने कोई एक डाई उठा लिया और उसको स्पेसिमेन पे डाल दिया, उसका एक स्पेसिफिक कलर शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक स्पेसिफिक कलर शो हो जाएगा। बिल फर्स्ट अगर हम डालते हैं मैथिलीन ब्लू, क्या डालते हैं? मैथिलीन ब्लू। मैथिलीन ब्लू के नाम से नहीं डरना, ये डाई का नाम है, स्टेन का एक नाम है। जब वो हम स्पेसिमेन के ऊपर डालेंगे, एनिमल सेल के बिल्कुल स्पेसिमेन है, उस पर जब हम डाल देते हैं तो वो सेल्स के गिर्द क्या होता है? ब्लूइश, जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के वो हो जाते हैं ब्लू कलर, उनका क्या हो जाता है? ब्लूइश। तो वो ब्लू कलर फिर हम जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो चीजें वहां से हमें पता चल जाएगा, हाँ सेल इधर है। तो उसी पार्ट को फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, उसके शेप का भी पता चल जाएगा और उसके साइज का भी पता चल जाएगा, और उसको हम फिर बेहतर तरीके से उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी। तो सिंगल स्टेनिंग में क्या है कि जब सिर्फ एक ही डाई हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक जगह को हाईलाइट करने के लिए, तो वो उसको कहते हैं सिंगल स्टेनिंग। दूसरा जो डबल स्टेनिंग है या डिफरेंशियल स्टेनिंग है, उसमें हम दो करते हैं। कितने करते हैं? दो स्टेन यूज करते हैं। सिंगल स्टेन में एक स्टेन यूज हो जाता है, डबल स्टेनिंग में दो स्टेन यूज होते हैं। दो स्टेन कैसे यूज होते हैं? बिल्फर्स में एग्जाम्पल देता हूं। हम देख रहे हैं सेल्स को, क्योंकि सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो अब होगा क्या? स्पेसिमेन में पहले तो हमने एक डाल दिया डाई, स्टेप्स वही होंगे, रिपीट होंगे, स्टेप बाय स्टेप काम होगा वही। पहले वो हमने हीट उसके शॉकिंग करनी है ताकि उसके वो जरासीम खत्म हो जाए, उसके बाद उस पर डाइज वगैरह डालने हैं, फिर उसके बाद पानी में रिंस करना है, फिर उठाना है, वो सब कुछ तो है। लेकिन इसमें क्या है? बिल्फर्स ये पर स्लाइड के ऊपर एक स्पेसिमेन पड़ा है, इसमें हमने डाल दिया हीमोटॉक्सिलिन। अब ये भी क्या है? ये भी हमारे पास एक डाई है, ठीक है, लैब में होती है। तो हीमोटॉक्सिलिन हम इस पे डाल दिया। अब इसके एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो हमारे पास सेल के अंदर होता है ना न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस को ये कर देता है ब्लू। न्यूक्लियस को क्या कर देता है? ब्लूइश कर देता है, सही है। इसमें तो न्यूक्लियस को ब्लू कर दिया, लेकिन ये साथ में बाकी जो साइटोप्लाज्म वगैरह उसको हल्का सा पिंक पिंक कर देता है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमें पता लग जाए कि पूरा सेल का साइज क्या है, हमें सिर्फ न्यूक्लियस नहीं चाहिए बाकी चीजें भी चाहिए, तो इसी हीमोटॉक्सिलिन तो साथ डाल दिया। अब काउंटर में साथ में एक और भी डालेंगे और वो बिल्फर्स इओसीन डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? इओसीन। एक डाई ये हुआ, एक डाई ये हुआ। अब इओसीन जब इस स्पेसिमन में जाता है तो जहां जहां भी साइटोप्लाज्म होगा ये उसको रेड कर देगा। इओसीन उसको क्या कर देगा? रेड कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? बिल्फर्स ये एक स्पेसिमन था, उसके अंदर यहाँ पे कुछ ब्लू से धब्बा पड़ गया। क्या पड़ गया? ब्लू सा धब्बा पड़ गया, और बाकी इस तरह से रेड हो गया। बाकी क्या हो गया? रेड हो गया। तो आप देखो जब हमने दो डाइज यूज किए, अब ये चीज हमें नजर आ रही है क्योंकि कलरफुल हो गया। अब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें पता है कि जो ब्लू कलर आया था वो हीमोटॉक्सिलिन की वजह से आया था, और हीमोटॉक्सिलिन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर चिपकता है। तो ये वाला जो ब्लू रीजन है ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है। इसी तरह इओसीन के डालने से हमें ये पता चला कि साइटोप्लाज्म कहाँ कहाँ पर है, तो वो यहाँ पर है सारा, तो इसमें साइटोप्लाज्म की भी लोकेशन का पता चल गया है। तो ये
क्या काम किसने कर, डाइज ने कर दिया कि डाइज ने हमें सेल का स्ट्रक्चर भी बता दिया, उसकी शेप कैसी होती वो भी बता दी, वो कितने साइज का हो सकता है वो भी बता दिया, फिर उसमें न्यूक्लियस कहाँ हो सकता है वो भी बता दिया, उसमें साइटोप्लाज्म कहाँ पर है ये भी बता दिया। ये सिर्फ सेल बायोलॉजी में नहीं है, हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, हम हिस्टोपैथोलॉजी पढ़ेंगे, हम हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, जहां जहां पर भी बायो में स्टेनिंग का बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो स्टेनिंग का, अब ये वाली स्टेनिंग क्या, जिसमें एक पहले यूज किया फिर उसी में दूसरा भी यूज कर दिया, दो स्टेन यूज कर दिए, तो ये जो दो स्टेनिंग के यूज करने का तरीका, इसको क्या कहते हैं, डबल स्टेनिंग या फिर डिफरेंशियल स्टेनिंग। और ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा कारामद और मोस्ट यूजफुल भी यही वाला तरीका है, डिफरेंशियल स्टेनिंग का जो तरीका है। तो स्टेनिंग का पता चल गया, अब हमने स्टेन कर लिया, बिलफर्जी हमारे पास स्लाइड के ऊपर आ गया, क्या सेल आ तो गया, अभी सेल को हमें पढ़ना कैसे, बिलफर्ज हमने इस सेल को काटना है, जितने हमारे पास है इस सेल को हमने मजीद स्टडी करना है, इस सेल को मजीद स्टडी करना है, तो उसको स्पेसिमेन से निकालना है। निकालने के लिए कई भी तरीके, लेकिन पहले तो हम इस सेल को देखना है, क्योंकि ये तो हमें रंग ही नजर आ रहे हैं, हमने इसको कहाँ से काटना है, इसको कहाँ से अलहदा करना है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, देखने की भी तो जरूरत है ना। तो क्या करते हैं हम इस स्लाइड को उठा के किसमें डाल देंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे, किसमें डाल देंगे, ये एक छोटा सा माइक्रोस्कोप है जिसपे हम देख रहे हैं, और यहाँ पे ये स्लाइड हमने रख दी है। अब यहां से हम देखेंगे तो ये सेल हमें नजर आ रहा होगा, फिर इसको हम इस पे ऑपरेट करेंगे, इस सेल पे हम अपना काम करेंगे, लेकिन देख रहे होते हैं माइक्रोस्कोप से। आजकल के माइक्रोस्कोप जो है वो LCD के साथ कनेक्टेड है, तो टीवी स्क्रीन हमें सामने नजर आ रही होती है। ठीक है, यहाँ से कैमरा उसको देख रहा है, और यहाँ पे जो चीज कैमरे को नजर आ रही है वो हम टीवी पे, इतना बड़ा टीवी होती है उस पे देख रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ देखो, ये डायसेक्शन बिलफर्ज़ की हमने कर ली, लेकिन किसके नीचे कर ली, क्या चीज हमने यूज किया, माइक्रोस्कोप यूज किया, क्या यूज किया, माइक्रोस्कोप यूज किया। तो ऐसी डायसेक्शन जो कि माइक्रोस्कोप यूज करने की वजह से होती है, जिसमें स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाता है और उसमें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, ऐसी डायसेक्शन को, ऐसी ऑपरेशन को कहते हैं माइक्रो डायसेक्शन। तीसरा टेक्निक क्या हुआ, माइक्रो डायसेक्शन, माइक्रो डायसेक्शन नाम से पता चल गया, ऐसी डायसेक्शन जिसमें माइक्रोस्कोप का यूज हो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो डायसेक्शन। ज्यादातर माइक्रो डायसेक्शन कहाँ यूज होती है, जब हम ब्रेन ट्यूमर होते हैं, हमारे पास ट्यूमर होते हैं, हमारे पास कोई एबनॉर्मल सेल होता है, हमने सेल को काटना है, सेल को निकालना है, सेल तो आम आंख से नजर ही नहीं आता, तो क्या करेंगे हम, उस स्पेसिफिक सेल्स को, उस स्पेसिफिक स्पेसिमेन को माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे, माइक्रोस्कोप में कैमरा या फिर हम आंखों से भी जो माइक्रोस्कोप में तो नजर आएगा, तो हम माइक्रोस्कोप यूज करके डायसेक्शन कर रहे होते हैं। इस पूरे टेक्निक को क्या बोलते हैं, माइक्रो डायसेक्शन। और आजकल में हम आंखों की जगह LCD से उनको कनेक्ट किया होता है, और बहुत बड़ी LCD पे हम टीवी मॉनिटर पे, टीवी स्क्रीन पे उसको देख रहे होते हैं, और उसी के साथ साथ डायसेक्शन हो रही होती है, तो इस वाले को क्या कहेंगे, माइक्रो डायसेक्शन।